हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किताबी ज्ञान के अलावा कुछ और बातों के आधार रखने जरूरी। एक समय था कि आप किताबी ज्ञान के जरिए से अपनी लाइफ को बेस्ट जगह लेकर जा सकते थे, पर आज एक ऐसा समय है कि आप किताबी ज्ञान के ही जरिए से आप अपने बेहतर करियर नहीं बना सकते। किताबी ज्ञान आपको जॉब दिला सकता है या एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिला सकता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर कैसे बेहतर परफॉर्म करना है उसके लिए किताबी ज्ञान और अलावा तो पूर्ण बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपको न स्कूल न कॉलेज में सिखाई जाती है, बल्कि खुद ही सीखनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं ऐसी 8 बातें क्या है जो आपके बेहतर करियर निर्माण में आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। पहला, अपनी प्रतिभा को ढूंढें। दोस्तों, आज वो समय नहीं रहा जब किताबी ज्ञान के भरोसे बेहतर करियर या नौकरी की उम्मीद की जा सकती है। अब समय बदल गया है। अब किताबी किले बनकर या डिग्रियों का ढेर लगाकर करियर का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर आप बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर झांक कर अपनी प्रतिभा को ढूंढने की ज़रूरत है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा हर एक इंसान में कैसा प्रतिभा होता है। अगर उस प्रतिभा को पहचान कर अगर आप उसमें अथक मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता आपके पास होगी। तो अपने प्रतिभा को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जो प्रतिभा आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है तो आप किसी विशेषज्ञ से इसके बारे में चर्चा कीजिए और उसी में अथक मेहनत कीजिए। फिर देखना आपका सफलता आपके पास रहेगा, जिससे कि आप लोगों से एक बेहतर स्थान हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास सबसे जरूरी। जिंदगी की जंग जीतना है दोस्तों, तो उसके लिए आपके पास आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि बोला जाता है जिंदगी में आत्मविश्वास एक ऐसा वर्ड है जो आपके पास कोई यार रहे चाहे मत रहे, बट आत्मविश्वास आज आपको हर एक सिचुएशन से निकालने का एक बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज़ है। तो इस आत्मविश्वास को अपने पास जरूर रखें, और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं भागीदारी बनते जाइए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास और ग्रो होगा। तीसरा, संपर्क बढ़ाएं। दोस्तों, आज का ज़माना बहुत ही चेंज हो चुका है। आपको हर क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ जानना अति आवश्यक है, और आज हर एक इंसान में एक ऐसा टैलेंट है जिस टैलेंट की बदौलत बहुत से लोग अपने आप को बेस्ट जगह प्रूव कर पा रहे हैं। तो आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप हर एक इंसान से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बना कर रखें, ताकि आपको नई नई बातें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने का मौका मिले। चौथा, हमारा परिवार भी है सबसे जरूरी। अक्सर देखना है दोस्तों, लोग करियर के निर्माण के चलते घर परिवार से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो आपको परिवार का महत्व समझना होगा। करियर में उतार चढ़ाव और तनाव के वक्त आपका परिवार ही आपके काम आता है, इसलिए अपने परिवार से जुड़े रहे और अपने रिश्तों में कभी दूरियां नहीं आने दें। परिवार के साथ रहने से आपका टेंशन कम हो जाता है और आप करियर के प्रति पहले से ज़्यादा फोकस होते हैं। तो फोकस ऑन योर फैमिली। पांचवा बात है आपका व्यवहार। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज की डेट में अगर आपको कोई भी काम को पूरा कराना हो तो आपका व्यवहार ही आपका बहुत बड़ा आईना है। यही आपका हर काम को शीघ्र कंप्लीट करवाती है। अगर आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, वरना लोग आपसे भागने लगते हैं। इसके अलावा आपका अच्छा व्यवहार आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है, इसलिए दूसरे लोगों से बेहतर व्यवहार करना सीखे। छठवां बात है दोस्तों, खुद के प्रति ईमानदार है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस क्षेत्र में अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कभी झूठ बोलने की बात आती है तो उसमें फोकस न करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आपको हो सकता है उस समय उत्साह लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, लोगों से झूठ बोल सकते हो, किसी भी से झूठ बोल सकते हो, बट आप अपने अंतर या आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो उस काम के प्रति सजग रहिए और ईमानदारी के साथ उसके प्रति मेहनत कीजिए, और
कभी भी कहीं भी जगह अपने आप को वास्तविक छवि के रूप में पेश कीजिए, न कि बनावटी के रूप में। इसके अलावा आप अपने काम के प्रति भी हमेशा ईमानदार रहें, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपको उस सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सातवां बातें हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षी न बने। ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि हर इंसान का महत्वाकांक्षी होना भी जरूरी है, लेकिन आपका अति महत्वाकांक्षी होना आपको नुकसानदेह पहुंचा सकता है। आपको धैर्य रखना है, समय पर हर चीज़ आपके पास आ जाएगी। पहले अनुभव प्राप्त करें, फिर आकांक्षा करें। जैसा सबसे और लास्ट बात है, खुद को अपडेट करते रहो। आज के भागम भाग दौड़ में दोस्तों, अपने आप को समय दर समय सिचुएशन के हिसाब से अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पुराने बातों पुराने ख्यालों को लेकर के लोगों के पास जाएंगे तो लोग आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आज आपको नई नई अपने अंदर अपडेट्स लाने पड़ेंगे, उस अपने प्रोफेशन के हिसाब से नई नई जानकारी नई नई आइडियाज लाते रहेंगे। अपने काम को और कैसे बेहतर करना है उसके लिए आपके अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, तब कह जा करके आप अपने करियर को एक बेस्ट जगह लेकर जा सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग।